बिग बॉस सीजन 16 में आने वाला है बड़ा ट्विस्ट, क्योंकि मेकर्स और क्रिएटिव ने कर ली है बड़े ट्विस्ट की तैयारी। दरअसल जब शो में फैमान खान आए तो हर कोई खुश हो गया, क्योंकि इतने दिनों के बाद एक नया चेहरा देखने को मिला था। फिलहाल मेकर्स अब बड़े ट्विस्ट की प्लानिंग कर रहे हैं। शो काफ़ी अच्छा जा रहा है, काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है टीआरपी में, और अब मेकर्स चाहते हैं कि इसकी टीआरपी और भी अच्छी आए ताकि ये सुपर डुपर हिट हो जाए। इसी वजह से मेकर्स अब शो में वाइल्ड कार्ड इंट्रोड्यूस करने वाले। दरअसल ये वाइल्ड कार्ड बिग बॉस के घर में एज अ चैलेंजर के रूप में आएंगे और जो और कंटेस्टेंट हैं उनको चैलेंज करने वाले। जब ये चैलेंजर का नाम आता है तो एक बार कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि पुराने एक्स कंटेस्टेंट ना आ जाए, पता नहीं, क्योंकि इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं कि पुराने आएंगे या फिर नए आएंगे। लेकिन ये कंफर्म खबर है कि अगले वीक तक के बिग बॉस के घर में वाइल्ड कार्ड की एंट्री होगी, जो कि चैलेंजर के रूप में आने वाले हैं। एक नहीं, दो नहीं, पूरे चार कंटेस्टेंट की एक साथ वाइल्ड कार्ड एंट्री करवाई जाएगी। अब देखते हैं कि बिग बॉस किन को भेजते हैं। नए को भेजना चाहिए क्योंकि शो ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कोई भी पुराने कंटेस्टेंट को नहीं देखना चाहता क्योंकि ऑलरेडी उनका गेम देखा जा चुका है। फिलहाल अगले वीक तक के शो में अगले वीकेंड के बाद तक के एंट्री होने वाली है। तो दोस्तों कमेंट करके बताइए क्या लगता है कि किसकी वाइल्ड कार्ड एंट्री हो सकती है। थैंक यू।